ओके तो भाई ये रहा हमारा भी नॉर्मल फ्री फायर जो शायद सब अभी खेल रहे होगे। इस पर अगर यहाँ पर पैरासूट से लैंडिंग करते हो तो उसके बाद गाइस नीचे जाने के बाद क्या मिलता है भाई, कुछ भी नहीं गाइस देख लो। एंड पता होगा जब रिवाइव होके कोई फ्रेंड हमें रिवाइव करता है तब ऊपर से आते हो तो भाई आपके हाथ में एक जेटिन देखने को मिलता है। एंड चलो ये तो गाइस होगा नॉर्मल अपडेट से पहले। और भाई ये रहा है भाई एडवांस सर्वर का लैंडिंग। एंड चलो यहाँ पर भी हमने एक न्यू मोड पे एंट्री किया एंड वहाँ पर भी लैंड करते हैं। एंड यहाँ पर जब लैंड करोगे भाई आपके हाथ में ऑटोमेटिक से आ जाएगा एक कटाना। और भाई ये कटाना ना उसी तरह से मिल रहा है जिस तरह से भाई पता होगा रिवाइव होने के बाद आपको जेटी मिलता है, लेकिन यहाँ पर रिवाइव होने का जरूरत नहीं। जैसे यहाँ पर लैंड करते हो आपके हाथ में गाइस एक ऑटोमेटिक से एक कटाना आ जाएगा। भाई देख लो अभी कटाना से यार किसे मारने वाले हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये चीज आपको अपडेट के बाद आपको देखने को मिलने वाला है न्यू मोड के अंदर। तो चलो गाइस ये तो हो गया। एंड दूसरी की बात करें तो भाई इस वाले कैरेक्टर तो आप पहचान रहे हो अच्छे तरह से। भाई मुझे पता है बहुत सारे बंदे इसे यूज करते हैं यार, जिसके पास आलोक वगैरह क्रोनो नहीं है ना वो इसे यूज करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा बेस्ट कैरेक्टर। ये आपके ईपी को एचपी में बहुत ज्यादा फास्टली कन्वर्ट करता है एंड इसका कूल डाउन भी यार बहुत ज्यादा कम है। और मैं इसके बारे में यार क्यों बता रहा हूँ भाई सोच रहे हो गए ना, तो भाई अपडेट के बाद ना आप इस कैरेक्टर को यूज नहीं कर पाओगे भाई, क्योंकि यार इसकी एबिलिटी ना पूरा का पूरा ही चेंज हो चुका है भाई। थोड़ा बहुत ना यार इसकी एबिलिटी को हटा कर ही किसी और कैरेक्टर की एबिलिटी यहाँ पर लगा दिया गया एंड उसे भाई यहाँ पर देख भाई पूरा बताने वाला हूँ यार एबिलिटी जो आया है इसे आपके क्या करने वाला एंड ये कैसे आप यूज कर सकते हो क्या काम आने वाला। वैसे एबिलिटी तो ठीक ही ठाक है बट पता चलेगा यार गेम में उसके बाद यार क्या रिजल्ट होते हैं। एंड इससे क्या होगा ना जब इस कैरेक्टर को यूज करोगे एक्टिव स्किल में इसके बॉडी से गाइस एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड निकलता है जो कि किसी भी कैरेक्टर के एक्टिव स्किल को ना ब्लॉक कर देगा। सो चलो भाई ऐसे नहीं समझ में आने वाला पूरा ही आपको गेम के अंदर ही समझाता हूं गाइस। बहुत ज्यादा गाइस बेस्ट बोलो या क्या बोलो मुझे नहीं समझा। देखो जैसे मैं इस कैरेक्टर को लाता हूं एंड सामने इसका एक्टिव स्किल दिख रहा होगा, जैसे उस पे प्रेस करके रख रहोगे ना भाई यहाँ पर ऐसा लग रहा है ना जैसे आप अपने बॉडी से यार ग्रेनेड वगैरह थ्रो कर रहे हो। पता होगा ग्रेनेड जब थ्रो करते हो इस तरह से साइन देखने को मिलता है एंड इसका रेंज गाइस 50 से 60 मीटर तक दूर तक आप फेंक सकते हो। एंड देखो जैसे हमने इसे थ्रो किया इसके बॉडी से गाइस एक प्लेट निकला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ये 8 मीटर तक गाइस वहां पर फैल जाता है एंड उसके रेंज में जितने भी बंदे होंगे ना एक्टिव स्किल वाले उन सभी का एक्टिव स्किल टैट भाई 1 मिनट के लिए ब्लॉक हो जाएगा 60 सेकंड के लिए और इसे गाइस 50 से 60 मीटर दूर रेंज तक भी फेंक सकते हो गाइस देख लो। एंड ये मेरा भी लेवल 4 का ही है एंड इसे अपग्रेड करोगे तो भाई ये 60 मीटर तक आपका रेंज आने वाला एंड 1 मिनट तक किसी भी एक्टिव स्किल कैपेबिलिटी को ब्लॉक कर सकता है। सो चलो यार दिखाता हूं देखो अभी गाइस देखो मेरे पास आलोक कैपेबिलिटी है एंड देख लो गाइस मैं इसे नॉर्मल तरीके से यूज करूंगा तो भाई ये सिंपल तरीके से यूज हो चुका है एंड उसके बाद गाइस अभी खत्म होने रहते हैं। एंड देखो अभी मेरा फ्रेंड सामने उसी कैरेक्टर के साथ में आया एंड वो मुझ पे फायर करने वाला गाइस देखो। एंड देख लो गाइस मेरा जो आलोक है पूरा चार्ज है, मैं इसे फिर से यूज कर सकता हूं एंड जैसे वो एबिलिटी मेरे पे पड़ता है भाई मेरा आलोक की एबिलिटी को आप ध्यान से देखो उस पे एक रेड कलर का गाइस साइन आ चुका है जो कि गाइस अभी तो भाई उसका लेवल 3 था इसलिए थोड़ा कम देखने को मिलता है, लेकिन पूरा मैक्स कर देते हो ना भाई ये 60 सेकंड तक कोई सा भी एक्टिव स्किल को ये ब्लॉक कर देगा एंड उस पे क्लिक करो गाइस देख लो रो आपका एक्टिव स्किल टेम्पररी डिसेबल इस तरह से लिखा हुआ रहा है। जब तक भाई वो नहीं हटता साइन आप इसे यूज नहीं कर पाओगे। एंड इसी तरह गाइस मैंने सोचा भाई एक चीज और करके देखते हैं, अभी मेरा आलोक एबिलिटी ऑन है एंड इसके बाद अगर कोई फायर करे तब भाई क्या होगा, क्या हमारा एक्टिव स्किल बंद हो जाएगा। तो चलो इस वाले एक्सपेरिमेंट को भी यार कर ही लेते हैं। एंड देखो गाइस अभी मैंने आप लोग को एबिलिटी यूज किया और सामने वाले बंदे ने गाइस मुझ पे फायर करेगा और देखते हैं भाई क्या होता है। और लो भाई ये हमारे ऊपर फायर आ चुका है। नहीं गाइस देख लो अगर आपका एक्टिव स्किल भाई ऑन है उसके बाद अगर ये फायर होता है तब भाई ये कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद गाइस देखो यहाँ पर फिर से टाइमर लग चुका है एंड फिर से जब तक ये खत्म नहीं होता तब तक आप इस एक्टिव स्किल को यूज नहीं कर पाते। वैसे गाइस देख लो भाई यही इस कैरेक्टर का एबिलिटी है एंड आप बताना गाइस ये पहले वाला अच्छा था या फिर ये न्यू वाला ऐड किया गया ये अच्छा। मेरे हिसाब तो गाइस जो पहले था ना वही बेस्ट था भाई, ये कितना ज्यादा काम आने वाला है वो तो गाइस गाइस गेम में बंदे वगैरह यूज करेंगे ना तो ही पता चलने वाला है। बाकी यार देख लो एंड चलो भाई कुछ और दिखाता हूँ अभी। एंड अभी गाइस वो मैं फुल मैप के अंदर और भाई देख लो सामने एक सोफे का पड़ा हुआ है और ऊपर गाइस मैप में देखोगे ना तो देख लो गाइस मैप काफी ज्यादा श्रिंक भी हो चुका है एंड यहाँ पे गाइस हमें एक न्यू फीचर्स मिलने वाला है। भाई देखो मैप तो अगर बहुत काफी ज्यादा श्रिंक हो चुका है, बंदे वगैरह बहुत ज्यादा किल भी कर चुके होंगे एंड इसमें पता नहीं चल रहा है सबसे हाईएस्ट किल किस बंदे ने किया है, लेकिन उसी को देखने के लिए गाइस देखिए सोपे में एक न्यू फीचर्स ऐड किया गया हिट लिस्ट का। एंड ये क्या है ना इसे 400 टोकन में परचेस करना होगा। जैसे इसे परचेस करोगे नीचे गाइस देख लो एचपी के बगल में एक टाइमर शुरू हुआ है 4 मिनट का। भाई ये टाइमर क्या दिखाता हूं
जैसे मैप खोलोगे आपको एक छोटा सा रेड जोन देखने को मिल रहा होगा, एंड ये रेड जोन गाइस आपके उस एनिमी का लोकेशन बता रहा है जो पूरे मैप में सबसे ज्यादा हाईएस्ट किल करके बैठा हुआ है। तो इस शॉप के अंदर ना भाई एक न्यू चीज हिट लिस्ट के नाम पे देखने को मिलेगा, ये 400 टोकन में देखने को मिलता है। जैसे इसे परचेस कर लेते हो ना, सामने वाला एनिमी भाई जो मैप में सबसे ज्यादा हाईएस्ट किल कर बैठा हुआ है ना, उसका लोकेशन गाइस 4 मिनट तक शो करता रहेगा। एंड देखो जैसे उस एनिमी को किल करते हो भाई, देखो नीचे जो टाइमर था वो भी खत्म हो चुका है, एंड उसके बॉडी के ऊपर भी भाई एक अलग तरह का साइन देखने को मिल रहा है जो बताता है गाइस आपने उस हाईएस्ट किल वाले बंदे को इजीली किल कर दिया। एंड ये वाला चेंजेस गाइस मुझे काफी ज्यादा बेस्ट लगा, क्योंकि अगर मैं पूरा खेलता हूं ना भाई, सबसे ज्यादा बंदे जो किल किया है ना उसका लोकेशन देख लो एंड उसे ढूंढ ढूंढ कर यार मारो भाई, मजा आने वाला है। एंड ये रैंक के अंदर देखने को मिल रहा है वो तो गाइस नहीं पता, लेकिन भाई ये क्लासिक में गाइस देखने को मिल रहा है। और चलो गाइस ये तो रहा भाई नॉर्मल शॉपिंग मशीन जो मैप में रहते हैं पहले से, एंड दिखाता हूं जो शॉपिंग गाइस ऊपर से गिरते हैं जहाज के समय, यहां पर भी एक चेंजेस देखने को मिला अलग तरह से। देखो जैसे से खोलता हूं यहां पर भाई टोकन का ऑप्शन है, पैसे भाई जिसे आप परचेस करते हो। तो चलो गाइस देखो मेरे पास अभी ना 300 टोकन है, एंड मैं यहां से मैं 200 ड्रॉप कर देता हूं एंड अपने पास 100 टोकन रखता हूं। इसका यूज बताता हूं गाइस, देखो अभी मेरे पास 100 है, एंड जैसे इसके अंदर परचेस करने जाता हूं एंड इस टोकन को परचेस करता हूं भाई, मेरे पास अब देखो 300 हो चुके हैं एंड 200 हमने गाइस नीचे फेंके हुए थे, और भाई टोटल मेरे पास अभी 500 टोकन हो चुके हैं। और भाई ये देख लो गाइस मैंने अभी नीचे से कहीं से ले लिया, ये वेंडिंग मशीन के अंदर ही देखने को मिल रहा होगा। तो यहां पर आते हो ना भाई 100-200 टोकन आपके पास कम पड़ते हैं कुछ परचेस करने के लिए ना, तो भाई पैसे से ही पैसे परचेस करो, उसके बाद आपके पास 200 टोकन एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा। 100 टोकन लगाओ एंड 200 आपके पास एक्स्ट्रा हो जाएगा। और भाई न्यू अपडेट के बाद एक चीज और आपको देखने को मिलेगा भाई, देखो ये मैप में ना बहुत ज्यादा मिलने वाला भाई, नॉर्मल एक मशरूम होता है ना उससे कहीं ज्यादा ये चीज आपको देखने को मिल रहा होगा। और देखने में ऐसा लग रहा है भाई ये कौन सा मशरूम है यार, एलियन मशरूम है क्या? एंड देखो यहाँ पर यूज का ऑप्शन भी आ रहा है, एंड देखने में ना सेम मशरूम की जगह देखने को लग रहा है, बट ये थोड़ा सा अलग है। तो देखो हमने इसे यूज किया, यूज करने के बाद जैसे एचपी के सामने देखोगे ना यहाँ पर 2 मिनट का फिर से एक टाइमर आपको देखने को मिल रहा है, एंड सामने एक लोकेशन दिखा रहा है भाई 200 मीटर पे। चलो गाइस चलते हैं उस जगह पे एंड देखते हैं यहाँ पे हमें कौन सा खजाना मिलने वाला है। और भाई देखो ये गाइस बॉक्स को आप देख कर समझिएगा भाई ये कौन सा है। आप जब मैप में रिसोर्स मैप का यूज करते हो सिम इसी तरह से बॉक्स आपको लूट बॉक्स देखने को मिलता है, जिसके अंदर बहुत सारा आपको लूट मिलता है। लेकिन भाई अब से अपडेट के बाद आपको रिसोर्स मैप लाने की जरूरत नहीं यार, बंटे वगैरह लेकर आना। एंड मैप में इस तरह से गाइस जो मशरूम वगैरह छोटे हैं ना भाई, क्या नाम बोलूं इसे पता नहीं मुझे, इसे आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, बस इसे यूज कर लेना। एंड यूज करने के बाद सामने 200-150 मीटर पे एक लोकेशन देगा जहां पर भाई ये सेम बॉक्स आपको देखने को मिलेगा और इसके अंदर बहुत सारा लूट आपको मिलने वाला है। और भाई ये ना रैंक मैच या फिर क्लासिक, ये चीज गाइस दोनों में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो आप ये इजीली ले सकते हो एंड लूट की यार तो कमी होने वाली है नहीं। बस गाइस गेम में आओ एंड इस तरह से गाइस मशरूम वाला है ना बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, बस यूज करो एंड आपको एक्स्ट्रा लूट गाइस बहुत ज्यादा मिलने वाला है। एंड इसमें एक चीज और देखने को मिलेगा, जब आप इसका यूज करोगे ना भाई, नॉर्मल हम जब लेकर आते हैं रिसोर्स में उससे हमारे अलावा यार कोई भी देख नहीं सकता गाइस, हमारे फ्रेंड भी नहीं देख सकते, लेकिन जब इसे यूज करोगे ना आपका फ्रेंड एंड आपका एनिमी भाई सबको दिखाई देने वाला है, एंड चाहे तो कोई और भी जाकर उसे ओपन कर सकता है, ये इसके अंदर आपको देखने को मिल रहा होगा। नॉर्मली रिसोर्स मैप का ये नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर जैसे इसे यूज करोगे तो इसे बॉक्स जो वहाँ पर बनेगा ना उसे कोई भी खोल सकता है भाई, आपका एनिमी हो या फिर आपका फ्रेंड, वो सबको दिखने वाला है। सो चलो गाइस भाई आज के छोटे से वीडियो में इतना है, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में कुछ और न्यू ट्रिक कुछ और न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।